नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। इस दौर में सियासी चौसर में सबसे बड़े खिलाड़ी कोई नजर आते हैं तो वो हैं अमित शाह और पीएम मोदी। विरोधियों के सोचने से पहले अमित शाह चाल चल देते हैं। देश के साथ राज्यों की सत्ता बनाए रखने के लिए अमित शाह ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, साथ ही उन राज्यों में भी सरकार बनाने की कोशिश है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। इसी कड़ी में महीने के आखिर तक बीजेपी सरकार और संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत विजय के लिए बीजेपी का प्लान, सत्ता बरकरार रखने के लिए शाह का समीकरण। आज का हाल यह है कि अगर एआईएडीएमके एनडीए में शामिल होता है तो देश की 3/4 यानी करीब 75% आबादी पर बीजेपी और सहयोगी दलों का शासन हो जाएगा, जहां 50% से ज्यादा आबादी पर खालिस बीजेपी का राज है और 20% से ज्यादा आबादी पर सहयोगियों के साथ बीजेपी शासन कर रही है और केंद्र में 3 साल से सरकार है ही। लेकिन बीजेपी के शाह शांत बैठने वाले नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह को तो जैसे सत्ता की आदत हो चुकी है और इसीलिए भविष्य सुरक्षित करने के लिए अमित शाह ने सियासी गोटियों को घुमाने का फैसला कर लिया है, जो चंद दिनों में सामने आ जाएगा। 2019 तो पड़ाव है, मंजिल कुछ और है। सत्ता में बने रहने के लिए ओवरहॉलिंग का प्लान, कुछ की जगह बदलेगी तो कुछ की छुट्टी होगी। 2019 के मिशन 350 प्लस के लिए बड़ी तैयारी, निकट चुनावों वाले राज्यों में भी होगा फेरबदल। बीजेपी की ओवरहॉलिंग के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी की रणनीति बिल्कुल साफ है। दोनों का मकसद केवल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतना भर नहीं है, बल्कि दोनों यह चाहते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां फिर से विधानसभा चुनाव जीता जाए और जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां हर कीमत पर कमल का फूल खिलाया जाए। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 2019 से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए वहां सरकार और संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया जाएगा। इन राज्यों में कर्नाटक और हिमाचल को छोड़कर सभी में बीजेपी की सरकार है। उस लिहाज से बीजेपी सरकार और संगठन दोनों में एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए फेरबदल करने वाली है, तो हिमाचल और कर्नाटक में सत्ता में वापसी की कोशिश है। यूपी और उत्तराखंड में भी होगा हेरफेर, कई चेहरों की बदले की जगह। यूपी में कुछ लोग सरकार से संगठन में लाए जा सकते हैं। राज्य सरकारों के साथ केंद्र में भी बदलाव, उत्तराखंड से केंद्र में 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 75 पर रिटायर का फैसला अभी ठंडे बस्ते में। कलराज मिश्र, येदुरप्पा और धूमिल रहेंगे फायदे में। कैबिनेट फेरबदल में इस बार यूपी कोटे में कटौती देखने को मिल सकती है। पीएम मोदी 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को हटाने की तैयारी में है, इसमें कुछ नाम यूपी से भी हैं। कृष्णा राज और साध्वी निरंजन ज्योति की होगी छुट्टी। मनोज सिन्हा और महेंद्र पांडे के बदल सकते हैं विभाग। उमा भारती भेजी जा सकती है राजभवन। आपको बता दें कि 25 अगस्त से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। मंत्रिमंडल फेरबदल में बीजेपी के सहयोगियों को भी फायदा मिलने के आसार हैं, जिनमें खासतौर पर जेडीयू शामिल है। अमित शाह ने अपना तमिलनाडु दौरा भी रद्द कर दिया। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद 5 सितंबर तक शाह राष्ट्रीय टीम में बदलाव करेंगे। उसके बाद पितृपक्ष समाप्ति होने पर यानी 20 सितंबर तक राज्यों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।